जहांगीर की मृत्यु नूरजहां के लिए गहन दुख और संताप था, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका भाई आसफ खां कितनी कुटिलता पूर्वक अपने दामाद शाहजहां के राज्यारोहण के लिए प्रयत्न कर रहा है। आसफ खां ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अपना उद्देश्य नूरजहां से ही नहीं बल्कि मुगल अमीरों से भी आरंभ में छुपाया। वह न तो सम्राट के दफन में सम्मिलित हुआ और न अपनी बहन के पास संवेदना व्यक्त करने आया। नूरजहां ने उसे परामर्श के लिए बुलाया, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। अब उसे नूरजहां की आवश्यकता नहीं थी। उसने नूरजहां के निवास स्थान पर कठोर पहरा लगा दिया और शाहजहां के पुत्रों दारा सिंह को और औरंगजेब को नूरजहां के महल से निकलवा लिया। आसफ खां ने बनारसी दास नामक दूत को शाहजहां के पास भेजा, जो इस समय दक्षिण में था। उसने शाहजहां से शीघ्र आने के लिए कहा। उसका दूसरा कार्य यह था कि सिंहासन खाली न रहे, इसलिए खुसरो के पुत्र दावर बख्श को उसकी मर्जी के विरुद्ध सिंहासन पर बिठा दिया। जब अमीरों को ज्ञात हुआ कि दावर बख्श को केवल अस्थायी तौर पर सिंहासन पर बिठाया गया है और सिंहासन शाहजहां के लिए सुरक्षित रखा गया है, तो वे सभी आसफ खां के समर्थक हो गए। शाही सेना का भी समर्थन आसफ खां को प्राप्त था। समस्त अमीर दावर बख्श के समर्थन में एकजुट हो जाते तो उत्तराधिकार के सिद्धांत की रक्षा होती। जिस समय राजौरी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी, उस समय शहरयार लाहौर में था। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और अयोग्य समर्थकों और सैनिकों में 70 लाख रुपए बांट दिए। उसका यह कार्य मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया था। आसफ खां की स्थिति बहुत मजबूत थी और एक साधारण सी झड़प में शहरयार पराजित हो गया था। वह भागकर लाहौर किले में जाकर हरम में छिप गया, लेकिन एक ख्वाजा सरा ने उसे आसफ खां के सैनिकों को समर्पित कर दिया। उसे अंधा करके बंदी खाने में डाल दिया गया। शाहजहां इस समय जुनार में था। वह तुरंत अहमदाबाद पहुंच गया। गुजरात के सूबे पर उसने शेर खां को सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन दक्षिण के सूबेदार खान जहां लोदी ने समर्थन नहीं दिया। आसफ खां ने महाबत खां को भी संदेश भेजा कि वह शाहजहां का साथ दे। महाबत खां ने प्रशंसा पूर्वक शाहजहां का साथ दिया, जो इस समय मेवाड़ के रास्ते से आगरा आ रहा था। मेवाड़ का राणा शाहजहां का समर्थक था। इस समय मार्ग में शाहजहां को शहरयार के परास्त होने का संदेश भी आसफ खां से ही प्राप्त हुआ। उसने आसफ खां को फरमान भेजा कि शहरयार उसके पुत्र और दानियाल के पुत्रों को मार डाला जाए। आसफ खां ने फरमान का पालन करते हुए इन सबको मार डाला। इस प्रकार सिंहासन के सभी जीवित दावेदारों को मार डाला गया। लाहौर में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार शाहजहां ने ऐसा निर्दयी और रक्तपात पूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने उसके जीवन के उत्तर काल में भयंकर रूप धारण किया और जिसने मुगल वंश को अंततः समाप्त कर दिया। शाहजहां के विद्रोह का मुख्य कारण उसका यह संदेश था कि शक्तिशाली नूरजहां अपने दामाद शहरयार को, जिसके साथ उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह सन 1620 ईस्वी में किया था, सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और उसे अपमानित करके धूल में मिला देना चाहती थी। शाहजहां के संदेह के कारण भी थे। सम्राट ने उसे कंधार पुनर्विजय करने के लिए आदेश दिया था। शाहजहां ने शर्तें रखी कि उसके परिवार में रहने के लिए रणथंभौर का दुर्ग दिया जाए, सेना पर उसका अभिन्न अधिकार रहे और पूरे पंजाब सूबे पर उसका अधिकार रहे। उसने जाने से इनकार नहीं किया था। वह केवल कुछ विलंब से पूरी तैयारी करके जाना चाहता था, लेकिन जहांगीर ने इसे आदेश का उल्लंघन माना और उसे आदेश दिया कि वह मुगल सेना को उत्तर भेज दे। इस सेना का सेनापति शहरयार को नियुक्त किया गया और उसे कंधार जाने का भी आदेश दिया गया। इसी बीच धौलपुर की जागीर के प्रश्न पर जहांगीर शाहजहां से रुष्ट हो गया। सारी स्थिति का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि शाहजहां ने विद्रोह करने का निश्चय कर लिया था और वह कंधार में ईरानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति से लाभ उठाना चाहता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उसने ईरान के शाह को नजरें भेजकर उसके आक्रमण में सफलता की कामना की थी। उसने इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था कि जहांगीर को स्पष्ट हो गया था कि उसका पुत्र विद्रोही हो गया है। वास्तव में शाहजहां ने जो कुछ इस समय किया वह नूरजहां के प्रति ईर्ष्या के कारण था। शाहजहां का विद्रोह असफल रहा और सन 1625 ईस्वी में उसे सम्राट से क्षमा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर नूरजहां का उसके प्रति द्वेष भाव होता तो वह शाहजहां को क्षमा प्रदान करने का विरोध करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह सब शाहजहां के अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। 6 फरवरी सन 1628 ईस्वी को शाहजहां का आगरा में भव्य राज्यारोहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर शाहजहां ने 1,60,00,000 रुपए भेंटों और पुरस्कारों पर खर्च किए। अमीरों को केवल 30 लाख रुपया दिया गया था, बाकी सब उसके परिवार के सदस्यों को ही प्राप्त हुए। मुमताज महल को 2 लाख असरफियां 6 लाख रुपए और वार्षिक 1 लाख असरफियां प्रदान की गई।
जहां आरा बेगम को 1 लाख अशर्फियाँ, 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए वार्षिक प्रदान किए गए। राज परिवार के शहजादों और शहजादियों को 8 लाख रुपए दिए गए। आसफ खां को सल्तनत का वकील नियुक्त किया गया और महताब खां को खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। सिंहासन पर शाहजहां की स्थिति सुरक्षित और दृढ़ थी। सिंहासन का कोई और दावेदार अब जीवित नहीं था जिसके विद्रोह का संकट उपस्थित होता। राज्यारोहण के समय शाहजहां की स्थिति अपने पिता जहांगीर की स्थिति से, जो सम्राट अकबर की मृत्यु के समय थी, अधिक शक्तिशाली थी। उसने निर्दयता पूर्वक अपने एक भाई और भतीजों को मरवा डाला था। शाही सेना के योग्य सेनापति उसके पक्ष में थे और आसफ खां, जो उस काल का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था, उसका ससुर था और उसके उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील था। शाहजहां स्वयं एक योग्य सेनापति था और विशेष रूप से उसने राजपूतों का समर्थन प्राप्त कर लिया था, जिनसे उसकी माता और मातामही द्वारा रक्त संबंध था। शाहजहां के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना था, जो पिछले वर्षों में उसी के विद्रोह के कारण भंग हो गई थी। अपने शासनकाल के आरंभ में ही उसे 2 विद्रोहों का सामना करना था। इनमें से प्रथम दक्षिण के खान जहां लोदी का विद्रोह तथा उत्तर में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह था। तो दोस्तों, आप शाहजहां के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।